हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी का स्वागत है अमानत डे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह का पोस्टर डिजाइनिंग किया हूँ। देख सकते हैं, सावन का हार्दिक शुभकामनाएं वाला ये वाला पोस्टर का पीएलपी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। इसका पीएलपी फाइल डाउनलोड करके पिक्सल में किस तरह से ऐड करके यहाँ पे अपना फोटो लगा सकते हैं और यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं, सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसका पीएलपी फाइल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो देखिए उस लिंक को मैं व्हाट्सएप में कॉपी करके रखा है, तो ये देखिए ऐसा लिंक रहेगा, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने बस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, मतलब कोई भी एक अपना एक ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर में जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर आपको दिखा देता है, इसका डाउनलोडिंग चालू हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता, देखिए यहाँ पे ऊपर इसका डाउनलोडिंग चालू हो गया है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से, अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है आर एप, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। उसके बाद से जो पीएलपी फाइल का नाम रहेगा वो पीएलपी फाइल का जी फाइल आपको यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे नीचे देख लेना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सावन के हार्दिक शुभकामनाएं वाला ये पीएलपी फाइल है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्लस के बगल में जो तीर का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड यहाँ पे देख लीजिए, पासवर्ड आपको डाल देना है 5697। यहाँ पे 5697 वाला पासवर्ड है, आपको डाल देना है। उसके बाद से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल अनजिप हो गया। उसके बाद आपको इसको पिक्सल लैब में ऐड कर लेना है। पिक्सल लैब में ऐड कैसे करेंगे, तो पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद न्यू टेस्ट को डिलीट कर देना है, इस तरह से डिलीट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और ओपन डॉट पीएलपी फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर जो छोटा में पीएलपी लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको फोल्डर दिखेगा, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरह से आपको फोल्डर दिखेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पीएलपी फाइल आपको शो करने लगेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से ओके कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐड हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो चेंज करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे जो पवन सिंह का फोटो दिख रहा है आपको यहाँ पे इसको इस तरह से डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको अपने फोन में चला जाना है, मतलब गैलरी में। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे फोटो लगाना है वो फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखिए कोई भी एक फोटो लगा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से शिल्पी राज का फोटो ले लेते हैं और इसको लेने के बाद से यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे ओके कर देना है और इस फोटो को थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे लाके इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे लाके आपको एडजस्ट कर देना है। इस तरह से आप अपना फोटो यहाँ पे लगा के एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो नाम लिखा है तो इसको आपको यहीं पे रहने देना है। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका नाम रहेगा वो नाम लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगर शिल्पी राज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह से आपको नाम लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कटा हुआ आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक, इसको आपको यहाँ से एक बार देखिए मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। इस तरह से आपको सेव कर लेना है, तो जो फॉन्ट है ये आपके पिक्सल लैब में सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी अपना नाम लिखना है वो नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगर
शिल्पी राज मैं यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे दो बिंदी दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, माई स्टाइल्स में आना है, उसके बाद इस फंड को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फंड यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे कलर जो है वो कलर थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कलर को आपको शिल्पी राज को सिर्फ व्हाइट कलर कर देना है यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से आप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप ये फॉन्ट आप में ऐड हो जाएगा पिक्सल नम में, और यहाँ से आप जब भी आप नाम लिखना चाहते थे यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे मैं जो लोगो है चैनल का ये हटा सकते हैं, नाम हटा सकते हैं, आप सब हटा सकते हैं यहाँ पे, और अपना जो लोगो रहेगा अपना चैनल का नाम रहेगा, और आप उसको लगा के इसको यहाँ से क्लिक करके इसको सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।